ग्रुप ऑफ महिला शक्ति फिरोजाबाद द्वारा बस स्टैंड पर महिला एवं पुरुष रैन बसेरे का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि महापौर नूतन राठौर एवं SP CT राजेश कुमार ने फीता काटकर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में समाज सेविका कल्पना राजौरिया, संघ महिला शक्ति अध्यक्ष वर्तिका जैन, प्रशासनिक निदेशिका पूनम गुप्ता, वित्त निदेशिका प्राची अग्रवाल संग काफी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। साथ ही SP CT राजेश कुमार ने बताया, यह एक अच्छी पहल है, इससे बाहर से आने जाने वाले यात्रियों को ठंड से काफी राहत मिलेगी और साथ ही पुलिस विभाग द्वारा रैन बसेरा की सुरक्षा के लिए इंतजाम भी किए गए हैं। मैडम, आज ये रैन बसेरा का उद्घाटन किया, क्या कुछ इंतजाम यहाँ किए गए हैं, क्या कुछ नया लोगों को देखने को मिलेगा? हमने रैन बसेरा बनवाया लोगों की सर्दियों में अपने आप को सुरक्षित रात में रखने के लिए, जिससे कि लोगों की आकस्मिक जो मृत्यु होती है इस वजह से और ना हो, तो रात में बूढ़े लोग हैं और बच्चे जो रात में आते हैं बस वगैरह में, उन लोगों के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है। सारे बिस्तर रजाइयाँ करके हमने प्रॉपर इंतजाम किए हैं और उनको गार्ड भी रखा गया, जिससे कि किसी भी चीज़ की यहाँ पर व्यवस्था ना हो, उसके लिए हमने पूरा प्रॉपर इंतजाम करके और SP सर और मेयर जी से भी हमने उसके लिए कहा, तो उन्होंने हमारी पूरी तरीके से सहायता की है इसमें और हम सोचते हैं 2 महीने तक हमारा कैंप बहुत अच्छे से चले और लोगों को इससे पूरी पूरी राहत मिली। आज बस स्टैंड पर उद्घाटन किया गया, तो क्या क्या व्यवस्था रहेंगी और किस तरह यात्रियों को? आज हमारी महिला शक्ति की पूरी टीम है, जिसमें हमारी प्रेसिडेंट है वर्तिका जी, उनके साथ उनकी पूरी टीम है, आज बस स्टैंड पर रैन बसेरा का जो उद्घाटन कराया है, जिसमें उन्होंने सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, महिला और पुरुष का उन्होंने जो सेगमेंट किया है उनको अलग अलग रखकर, जो मैंने देखा अंदर जाके काफ़ी स्लोगन्स भी लिखाए हैं, स्वच्छ रखें, यहाँ पर धूम्रपान ना करें। और मैं सभी से आपके चैनल के माध्यम से, आप जहाँ पर भी इस वीडियो को डाला उनको बताना चाहती हूँ, जो भी इस वीडियो के देखें, अगर कोई इस रैन बसेरे में आए तो वो धूम्रपान का प्रयोग ना करे, शराब पीकर ना जाए इसमें, और जो भी महिलाएं हैं वो भी धूम्रपान ना करें, क्योंकि काफ़ी शिकायत मिलती है कि महिलाएं भी धूम्रपान करती हैं, तो मैं नहीं चाहती मुझे इस तरह की शिकायत मिले आगे। और हमारा जो रैन बसेरा है वो पूरी ठंड, जो भी हमारे लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनको जगह नहीं मिलती, छत नहीं मिलती रात में रुकने के लिए, वो यहाँ पर आकर ठहरें और जो भी सुविधाएं हैं उनका लाभ लें। लगाए गए हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से क्या रहे? देखिए, सबसे पहले तो मैं जायंट ग्रुप ऑफ महिला शक्ति फिरोजाबाद को मैं हृदय से आभार व्यक्त करूँगा, धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इतना पुण्य काम किया है। जाड़े के दिन में किसी को शरण देना, जाड़े में आप लोगों ने देखा होगा तमाम गरीब लोग, बूढ़े लोग मर जाते हैं रोड पे, बस स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे। इतना बढ़िया इन्होंने इतना सुंदर व्यवस्था किया है, मैं 24 साल की नौकरी में पहली बार देख रहा हूँ इतनी दृढ़ व्यवस्था इन लोगों ने किया है। मैं इनके लिए मैं साधुवाद देता हूँ और अपील करता हूँ कि भविष्य में भी इस तरह के विचार इनके मन में आए और इसी तरह से करते रहें। सुरक्षा व्यवस्था हमारी पुख्ता रहेगी, फायर डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था में कर रहा हूँ यहाँ पे, और महिला कांस्टेबल और एक पुलिस की भी कांस्टेबल की व्यवस्था में करूँगा, और इनको अपना नंबर मैंने दिया है, जो भी ज़रूरत पड़े, जब भी हमारी आवश्यकता होगी मैं इनके साथ हमेशा तत्पर हूँ, क्योंकि इनकी कल्पना, इनका सोच, इनकी बहुत अच्छी है, बहुत ऊँची सोच है, इसलिए मैं इनके साथ हमेशा रहूँ। सर, जायंट ग्रुप ऑफ महिला शक्ति फिरोजाबाद से मेरी अपील है कि आप लोग इतने अच्छे कार्य कर रहे हो, 2-3 कार्य मैं अपनी तरफ से सजेस्ट करना चाहता हूँ, अगर उसको आप लोग करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी और समाज को बड़ी इसकी जो है फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि पुलिस अफसर हूँ मैं, हमारे पास इस तरह की समस्याएं आती हैं। एक तो कन्याओं की भ्रूण हत्या हो रही है, दहेज हत्याएं बहुत हो रही हैं, दहेज के लिए बहुत लोग मर रहे हैं, और तीसरी बड़ी समस्या है कि बुजुर्ग माँ बाप को बच्चे या बहू छोड़ दे रहे हैं और खाने के लिए भटक रहे हैं, उनके लिए न्याय नहीं मिल रहा है। अगर उनके लिए लोग आवाज़ उठाएँ और एक संस्था को बना करके कि अगर ऐसे बच्चों ने छोड़ दिया है बूढ़े माँ बाप को, तो हमारे पास आए उनके खिलाफ़ मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा। ऐसे लोग जो दर दर भटक रहे हैं, कुछ बुजुर्ग लोग, उनके लिए कन्याओं की भ्रूण हत्या ना होने पाए, लोगों को जागरूक करें और दहेज प्रथा के विरुद्ध एक आंदोलन करें, ताकि इन तीनों बुराइयों को समाज से समाप्त किया जा सकता है। और ये बहुत अच्छी संस्था है, बड़े अच्छे सोच के लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं इसमें, मैं समझता हूँ कि ये लोग अगर आह्वान करते हैं तो निश्चित तौर पर इस पर हम निजात पाते हैं।